वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा था एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ट्रीटेड। एक्चुअल में ये हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर देख रहे हैं और यही ट्रीटमेंट कहाँ होगा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में बोला था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का सेम ट्रीटमेंट ना केवल हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में करेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ पे भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ IFF। इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू हो सकती है, एक जिसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू और दूसरी मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां बैलेंस शीट में दिखती है। यदि मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रही है 50,000 रुपए से, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल वैल्यू में दिखानी है। एक्चुअल वैल्यू मीन मार्केट वैल्यू में दिखानी है। मैंने यदि उसमें लॉस हो जाते तो हम कम करके दिखाएंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर जब लॉस हो जाता है, लॉस कैसे होगा? मैंने 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा, शेयर्स खरीदा, डिबेंचर्स खरीदा, किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो 50,000 रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? जब मैं आज यदि उसे बेचने जाऊं तो मुझे कितना रुपया मिलेगा? कितना रुपया मिल सकता है मालूम है? 50,000 मिल सकता है, 50,000 से ज्यादा मिल सकता है, 50,000 से कम मिल सकता है। 50,000 मिलता है या 50,000 से ज्यादा मिलता है तो बेसिकली प्रॉफिट है। लेकिन यदि 50,000 से कम मिलता है ऑब्वियसली हमारा वो लॉस है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करके दिखाना है। कहां? बुक्स ऑफ अकाउंट में। बुक्स ऑफ अकाउंट में आज कितने के हैं? 50,000। मार्केट वैल्यू क्या है? 50,000, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू क्या है? 60,000, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों मालूम है? प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के कारण। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट। हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे जब हम बेचने जाएंगे तब हमें और 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं जब मार्केट वैल्यू 50,000 है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 50,000 से अपीयर कर रहा है, और 50,000 से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। 50,000 का मैंने इन्वेस्ट किया और मैं मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो वो कितने का बिक रहा है? 45,000 का। कितने का बिक रहा है? 40,000 का। कितने का बिक रहा है? 38,000 का। दैट मींस मेरा बुक वैल्यू क्या है? जितने का मैंने खरीदा, जब भी मैंने खरीदा, बुक वैल्यू मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने से अपीयर कर रहा है? 50,000 से। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? 50,000 से कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करके दिखाना पड़ेगा। कितना कम करेंगे? जितना कम मार्केट में है। मान लो मेरा बुक वैल्यू 50,000 है, मार्केट वैल्यू कितना है? 45,000। मार्केट वैल्यू मींस इस 50,000 के इन्वेस्टमेंट को आज मैं बेचने जाता हूं तो मार्केट में मुझे कितना रुपया मिलता है उसका? कितना मिल रहा है? 45,000। कितने से कम हो गया? 5,000 से। तो मैं कितना कम करूंगा? 5,000 से कम करूंगा। किसको? इन्वेस्टमेंट को। तो इस इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने के लिए हम एक टर्म, एक रिजर्व यूज करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जैसे वर्कमैन को कॉम्पेंसेशन देने के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है, वैसे इन्वेस्टमेंट के बुक वैल्यू से कम जब लॉस हो जाता है मार्केट वैल्यू का, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उस लॉस को दिखाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज क्रिएटेड टू कॉम्पनसेट और टू मैनेज द लॉसेस क्रिएटेड बाय द इन्वेस्टमेंट। कैसे इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है लॉसेस? व्हेन द बुक वैल्यू इज हायर देन द मार्केट वैल्यू, द डिफरेंस इज अ लॉस, द डिफरेंस इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कॉम्पनसेट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। हमारे इस एग्जाम्पल में जो हम सीखने वाले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर्स एट 10,000 और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना है? जो असेट में, असेट साइड में इन्वेस्टमेंट अपीयर कर रहा है, दैट इज रेफर्ड एज बुक वैल्यू। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 50,000 और इसी के नीचे ब्रैकेट में दे दिया जाएगा मार्केट वैल्यू,
या तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, और ब्रैकेट में दे दिया जाएगा मार्केट वैल्यू। वो तुम्हें बताता है कि इन्वेस्टमेंट की ऑन दैट पर्टिकुलर डेट मार्केट में वैल्यू कितनी है। या तो तुम्हें ऐसे दिखाया जाएगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है, और अलग से एडजस्टमेंट भी दिखाया जा सकता है। दोनों ही जगह मार्केट वैल्यू को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। या तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के सामने 50,000 बुक वैल्यू, और उसके अगले ही लाइन में इस तरीके से विद इन ब्रैकेट मार्केट वैल्यू दिखा दिया गया होगा। और मार्केट वैल्यू कहां दिखाया जा सकता है? एडजस्टमेंट में दिखाया जा सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर कर रहा है 10,000 से, इसे हम क्या करते हैं 9,000 कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे 9,000, क्योंकि 3:2:1 में हमें बांटना है, तो 10,000 डिसिबल में बटेगा। 50,000 इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 9,000 है। पहला अलग अलग केसेस, जैसे मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में डिफरेंट केसेस किए थे, यहां भी उतने ही 5 केसेस हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बस ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम तब यूज करते हैं यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही नहीं हुई, That means, 50,000 ही मेरा बुक वैल्यू है, 50,000 ही मेरा मार्केट वैल्यू है, 50,000 मेरा बुक वैल्यू है और 50,000 से ज्यादा मेरा मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में क्या है? लॉस नहीं है। जब भी लॉस नहीं है तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जरूरत ही नहीं है। देखो वही केस वन और केस टू तुम्हें बता रहा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, क्वेश्चन में कहीं मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है, तो हम मानेंगे कि मार्केट वैल्यू इज 50,000। क्यों? यदि ज्यादा होगा या कम होगा तो एडजस्टमेंट में बोलना पड़ेगा भाई। जिसका एडजस्टमेंट नहीं दिया कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम क्या मानेंगे? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही है, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक हो या डेटर्स हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, जिसका एडजस्टमेंट नहीं दिया गया उसका मार्केट वैल्यू सेम है। दैट मींस यदि इस तरीके से दिया है और केस वन क्या है, मार्केट वैल्यू नॉट गिवन, किसका? इन्वेस्टमेंट का। हम क्या मानेंगे? मार्केट वैल्यू 50,000 है। अब क्या हमें आईएफएफ की जरूरत है? नहीं है। हम क्या करेंगे? आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस वन आईएफएफ 2A 2B 2C। मैं हर वीडियो में तुम्हें बोलता हूं मैं कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं लिखूंगा, वो आप डिसाइड करोगे कि कैपिटल होगा या करंट होगा, विच डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्वेश्चन और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्वेश्चन। कितना आईएफएफ? 9,000। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। क्यों ओल्ड रेशियो? क्योंकि आईएफएफ क्रिएट किया गया ओल्ड रेशियो के टाइम पर। न्यू रेशियो तो कल से लगने वाला है ना, जो 1:1:1 होने वाला है वो कल से होने वाला है। तो 3,500 केस वन में जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, तो हम आईएफएफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आप कितनी मान रहे हैं? 50,000। ज्यादा और कम होगा तो क्वेश्चन में बताया गया होना चाहिए, यदि नहीं बताया इसका मतलब वही है। अच्छा केस टू भी बिल्कुल वही है। क्या बोल रहा है? 50,000 मार्केट वैल्यू, 50,000 तुम्हें बोल रहा है। या तो तुम्हें एडजस्टमेंट में दिखाया गया होगा 50,000, या कहां बोल सकता है? मार्केट वैल्यू 50,000 यहां बोल सकता है। दोनों का मतलब यह है एक ही है। तो आईएफएफ और इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं तुम्हें दिखना चाहिए, या तो यहां दिखेगा या फिर एडजस्टमेंट में दिखेगा। यदि दोनों जगह नहीं दिखता, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही है। तो कौन सी एंट्री होगी? ये। अच्छा सेकंड केस में क्या एंट्री होगी? सेकंड केस में भी यही एंट्री होगी। अरे पहले केस में भी हमने मार्केट वैल्यू क्या माना? 50,000। लॉस नहीं था, 9,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में वही है। तो केस वन और केस टू बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा अब आता है केस थ्री, जब हमारा लॉस होने लगा। पहले केस और सेकेंड केस में हमारा लॉस नहीं है। अच्छा मार्केट वैल्यू 50,000 की जगह 60,000 होता, मार्केट वैल्यू की जगह, मार्केट वैल्यू 50,000 की जगह 60,000 होना, क्या लॉस है? नहीं है, लॉस नहीं है। तब भी यही एंट्री होगी। 50,000 या 50,000 से ज्यादा हो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। That means मार्केट वैल्यू कम होगा तभी हमें एंट्री के बारे में सोचना है। यदि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर हो, या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, जब भी प्रॉफिट हो तो आईएफएफ हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
अच्छा केस थ्री क्या है, 47,000 हमने आईएफएफ कितना क्रिएट किया, 9,000 हमने वो आईएफएफ कितना क्रिएट किया, 9,000 इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, 50,000 मार्केट वैल्यू या तो एडजस्टमेंट में होगा या फिर यहां होगा, मैं हर एक जगह हमेशा लिखता भी चला जाऊंगा। मार्केट वैल्यू कितनी है, 47,000 कितना लॉस हुआ है, 3,000 का लॉस हुआ है। कैसे, मार्केट हमने जब इन्वेस्ट किया उस टाइम उसकी वैल्यू 50,000 थी, आज हम बेचने जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 47,000, 3,000 का लॉस हो गया। अब हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 3,000 से कम करना है। जब भी किसी एसेट को कम करना है, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, जब हम कम करेंगे तो उस एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट करेंगे। देखो केस थ्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 9,000, उस 9,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हम कितना कम कर रहे हैं, 3,000। ये 3,000 कैसे आए, मार्केट वैल्यू 47,000, बुक वैल्यू 50,000, 3,000 का लॉस, जितना हमारा लॉस है उसे हम आईएफएफ से रिकवर कर देंगे, बच गया 6,000। उस 6,000 को क्या करेंगे, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, 6,000 को, कौन से रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। 9,000 में से 3,000 का तो हमने लॉस को रिकवर करने के लिए दे दिया, बच गया 6,000, 6,000, उस 6,000 को हमने 3:2:1 में बांट दिया, दैट इज केस थ्री। केस फोर, मार्केट वैल्यू कितना है, 41,000। केस फोर मार्केट वैल्यू कितना है, या तो एडजस्टमेंट में दिखेगा या ऐसे मार्केट वैल्यू 41,000 दिखेगा। कितना लॉस हो गया, अरे जब मैंने इन्वेस्ट किया कितनी वैल्यू थी, 50,000, अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 41,000, कितने का लॉस हो गया, 9,000, और रिजर्व कितना क्रिएट किया, 9,000। बहुत अच्छी बात, पूरे का पूरा का लॉस हमारा बचेगा ही नहीं, लॉस को रिकवर करने के बाद पार्टनर्स को बांटने के लिए बचेगा ही नहीं। तो केस फोर क्या हो जाएगा, आईएफएफ टू इन्वेस्टमेंट कितना, 9,000। दैट मींस जितना मैंने एंटीसिपेट किया ना मैक्सिमम लॉस होगा, उतना ही हमारा लॉस भी हुआ, तो हमने आईएफएफ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दिया। फिफ्थ केस क्या है, 12,000 रुपए का लॉस हो गया। पहले तुम्हें लॉस देखना पड़ेगा कितना, हम कैसे देखेंगे, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे। मार्केट वैल्यू कितनी है, 38,000, इन्वेस्टमेंट कितना था, 50,000, आज मैं बेचने जा रहा हूं मुझे 38,000 मिलेगा, 50,000 माइनस 38,000 लॉस कितना हो गया, 12,000 का, लेकिन मेरे पास आईएफएफ कितना है, 9,000, मैंने क्या सोचा था मैक्सिमम 9,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन लॉस कितना हो गया, 12,000 का। अब पहले 3,000 हमें एक्स्ट्रा लॉस रिकवर करने के लिए प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा, वही वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में मैंने बोला पीएनएल बन गया, बैलेंस शीट बना है ना, तो पीएनएल बन गया ऑलरेडी, तो हम कहां से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन से निकालेंगे। केस फाइव, केस फाइव में दो एंट्रीज होगी, एंट्री नंबर वन आईएफएफ कितना, 9,000, और कितना लॉस हमें रिकवर करवाना है, 3,000 का, उसे निकालो रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन कितना, 3,000, तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी, 12,000 से, हमें 12,000 से कम ना करना है, 50,000 इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 38,000, कितना कम करना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 12,000, तो 9,000 तो हमने आईएफएफ से ले लिया, जो और रिमेनिंग 3,000 तो हमने रिवैल्यूएशन से लिया। ये बेसिकली क्या है, लॉस है जिसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो फिफ्थ केस में दो एंट्री होगी, ए बी सी टू रिवैल्यूएशन कितना, 3,000, 3,000 को हम 3:2:1 में बांट दें, 3:2:1 दैट इज 1,500, 1,500। क्विकली टू रिकैप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में जो लॉस होता है उसे रिकवर करने के लिए हम क्रिएट करते हैं। कभी कभी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर होती है, कभी कभी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होती है। जब भी प्रॉफिट हो या लॉस नहीं हो,
मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, मार्केट वैल्यू वही है बुक वैल्यू के बराबर तो नो लॉस नो प्रॉफिट है। उस टाइम पर IFF को पहले और सेकंड केसेस में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। फिर हम देखते हैं कि लॉस है तो लॉस कितना है, क्या रिजर्व के बराबर का लॉस है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। यदि उससे कम है जैसे थर्ड केस में था 50,000 और 47,000 लॉस 3,000 का था, रिजर्व कितना क्रिएट किया 9,000, 6,000 बच गया, 6,000 को हम क्या बांट देंगे 3:2 में बांट देंगे, दैट इज 3,000 को हम किस पे बांट देंगे 3:2 में बांट देंगे 6,000 में 3,000 2,000 एंड 1,000 में हम बांट देंगे। थर्ड फोर्थ केस क्या था, 9,000 का लॉस है, पूरे के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट किस पे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने में लगा देंगे। फिफ्थ केस क्या है 9,000, लेकिन लॉस कितना है 12,000, 3,000 को रिवैल्यूएशन से निकालेंगे और बेसिकली रिवैल्यूएशन क्या है लॉस है, उस लॉस को हम कॉम्पनसेट कर देंगे या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस पे, पार्टनर्स कैपिटल में। फिफ्थ केस में दो एंट्री होगी IFF रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 9,000 3,000 12,000 और ABC टू रिवैल्यूएशन 3,000 को जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। With this, we actually come to an end as far as change in profit sharing ratio chapter is concerned. और ये दो जो हमने last के दो adjustment किए, the last video workmen compensation reserve और in this video investment fluctuation fund, these two are extremely important. In subsequent videos, I will start with admission of a partner. Thank you.